हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास इलेवन एनसीआर के चैप्टर ट्रीनोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर वन टू टेन सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस देख लेते हैं वैसे फार्मूले मैंने इसे पिछले वाली वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपको दिए भी थे वहां से आप चेक भी कर सकते हैं पी फाइल है वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं एक बार इनका थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन एक्स प्लस होता है

कोस के में थोड़ा सा अपोजिट रहता है अगर प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर प्लस आएगा ऐसे ही टेन का फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस वाई का टेन एक्स प्लस टेन वाई होल अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू

जितना भी एंगल यहाँ पर गीवन होगा उसका हाफ एंगल यहाँ आ जाएगा सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थ्री एक्स लिखा हुआ है तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा टू साइन थ्री एक्स अपॉन टू इन टू कॉस थ्री एक्स अपॉन टू देखिए जितना एंगल यहां होगा उसका हाफ यहां आ जाएगा अगर ये होगा तो यहां पर आ आ जाएगा ये 5x तो 5x आ जाएगा ये होगा तो अगर ये एक्स होगा तो एक्स अपॉन टू आ जाएगा ये ध्यान रखेंगे जितना एंगल यहां उतना उसका हाफ यहां आ जाएगा ऐसे ही साइन टू एक्स का फॉर्मूला एक टेन के पदों में होता है टू टेन एक्स होल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये साइन टू एक्स का दूसरा फॉर्मूला है टेन के पदों में स्नाओ कोस्ट वेक्स की बात करते हैं देखिए बेटा कोस टू एक्स के चार फॉर्मुले होते हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन से फॉर्मुले का इस्तेमाल हम कहा करेंगे ये हमें क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है वहां से हमें पता चल जाता है वैसे फिर भी फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहला फार्मूला है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन दूसरा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स थर्ड है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फोर्थ है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स टेन के टर्म्स में भी इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है देखिए इस फॉर्मूले की वही है प्रॉपर्टी जो साइन की थी कि जितना एंगल यहां होगा उसका हाफ एंगल आ जाएगा वहां था तो ऐसे तो 2X, 2X तो ही टेन टू एक्स का होता है टू टेन एक्स होल अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स देखिए टेन टू एक्स और साइन टू एक्स के फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि साइन का भी टेन का फॉर्मूला वही है और टेन का भी वही है थोड़ा सा चेंज है वहां पर प्लस है यहाँ पर माइनस है इसलिए थोड़ा सा इसका हम बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे उसके फॉर्मूले सही से लर्न हो जाएगा नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला है साइन थ्री एक्स इक्वल होगा थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ऐसे ही कोस थ्री एक्स इक्वल होगा फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स इन फॉर्मुल की हमें बहुत जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री सिंपल फॉर्मलो बेस्ड पे है अगर आपके फॉर्मुला अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते बड़े आराम से कर देंगे इजिली क्वेश्चन होंगे टेन थ्री एक्स का होगा थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स होल अपॉन वन माइनस थ्री टेन एक्स ऐसे ही साइन एक्स प्लस साइन वाई के फॉर्मूले की बात करें तो ये होगा टू साइन एक्स प्लस टू इंटू कोई का फॉर्मूला होगा टू कोस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू ऐसे ही कोस एक्स प्लस कोस वाई टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू या कोस एक्स माइनस कोस वाई की फॉर्मुले की बात करें तो माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई वाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई टू माइनस आता है अगर ये माइनस आप यहाँ तो यहां चेंज जाएगा, ये वाई आ जाएगा इतना ही चेंज होगा फिर ही टू कोश एक्स इंटू साइन वाई ये साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई के इक्वल होगा ऐसे ही टू कोश एक्स इंटू कोस वाई कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई के इक्वल होगा टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल होगा कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई बस इतने ही फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में और जो मैंने इससे पहले क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले समझाए थे वो हैं आप इनको दो थोड़ा सा बार बार एक बार लर्न करके देख लें और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे पास बार बार ये क्वेश्चन में फॉर्मुले आएंगे ध्यान रखें जिस भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले का यूज होता है उस फार्मूले को जरूर लिखें सिंपल सा तरीका है फॉर्मूले लर्न करने का फॉर्मूला आया है उसको आप वहां पर लिखें वो खुद ब खुद आपको लर्न होता चला जाएगा और पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में किस फॉर्मुले का इस्तेमाल हो सकता है अब देखते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री क्वेश्चन है प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई एपॉइट सिक्स प्लस कोस स्क्वायर पाई ए थ्री माइनस टेन स्क्वायर फोर इक्वल माइनस पॉइंट टू देखिए यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बेटा आपको क्योंकि यहां पर अब एंगल डिग्री में नहीं रेडियन में है। अभी तक आपको डिग्री में वैल्यूज थी, उनके लर्न थी कि अगर साइन थर्टी की, की वैल्यू कितनी होगी लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर डिग्री में नहीं आएगा रेडियन में एंगल आएगा ऐसा ही होगा कि हमारे पास रेडियन में मिलेगा तो रफली आप कर सोल्व तो करके एक बार, लिख सकते हैं, लेकिन जब हम बार बार करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि पाई बायस कितना होगा पाई बाय सिक्स थर्टी होगा पाई बाय थ्री हमारे पास सिक्सटी होगा फाइव बाई फोर हमारे पास फोर्टी फाइव डिग्री एंगल होगा नहीं भी याद रहता तो आप चेंज करके देख सकते हैं इसीलिए हमें चेंज करने का तरीका हमारे पास जो भी एंगल गिवन है पाई बाय सिक्स है तो मैं इसकी मल्टीपी

टू साइन स्क्वायर फाइव बाई स स्क्वायर सेवन पाए इन टू को स्क्वयर पाई एंट्री थ्री अपॉइंट टू ये प्रूव करना है सोल्व करते हैं हमारे पास दिया हुआ है टू साइन स्क्वायर फाइव बाई स स्क्वायर सेवन पाइव बाई सी देखिए पाई बाय सिक्स पा बाय थ्री हमारे पास नॉर्मल एंगल है थर्टी और सिक्सटी डिग्री के हैं लेकिन जो ये सेवन पाई अपॉइंट सिक्स आ गया ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो गया और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनी हुई है उसमें हमें टेंथ तक में सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेकर के नाइन्टी तक डिग्री तक की वैल्यूज ही पता है अगर उससे ऊपर का एंगल आ जाता है तो उसको हमें क्या करना होगा उसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और तभी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और वो कन्वर्ट कैसे होगा जो हमने क्वाड्रेंट के फॉर्मूले आपको बताए थे सिंपल सा मेथड है देख लेते हैं देखिए टू साइन स्क्वायर डिग्री का एंगल रहा होगा से मैं, है, आप थोड़ा सा दिमाग में थर्टी तो आएगा और थर्टी मल्टीप्लाई सेवन से करूंगा तो टू वन जीरो दो सौ दस डिग्री का एंगल है अब अगर 210 डिग्री का एंगल मेरे पास मिलता है तो वो कहां किस क्वाड्रेंट में रहा होगा देखिए ये हमारे पास 0 से 90, ये 90 से यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा 210 डिग्री का एंगल ठीक है नहीं सॉरी अगर हम ये 180 से 270 तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल रहा होगा अब यहां पर मैं वैल्यू उसकी नहीं बता सकता तो मुझे क्या करना है उसको किसी ना किसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के जाएंगे अब वो कैसे हो सकता है देखिए 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं मैं इसको पाई प्लस पाई अपॉन सिक्स लिख सकता हूं पाई मतलब वन एट्टी पाई बाई सिक्स मतलब थर्टी अगर मैं वन एट्टी में थर्टी एड करता हूं तो मेरे पास टू वन जीरो दो सौ दस डिग्री का एंगल आएगा अब उससे बेनिफिट क्या हुआ हमने लाइन का यूज किया है पाई वाली इस लाइन का यूज किया है पाई और ये जीरो और ये टू पाई इसी लाइन का यूज क्यों किया क्योंकि मैंने बताया था कि ये लाइन कैसी होती है नो चेंज की होती है यानी कि कोशक कोशक ही रहेगा साइन साइन ही रहेगा इस लाइन में और इस लाइन में क्या हो जाता है इसमें चेंज हो जाते हैं साइन कोस में चेंज हो जाता है वहां पर थोड़ा क्वेश्चन हमारे पास चेंज हो जाता है इसलिए उसको हमें इस लाइन का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे किसी भी क्वारेंट में जाने के लिए हम इसी लाइन का यूज करेंगे

6 हमारे पास डिग्री का एंगल हुआ तो थर्टी डिग्री है तो साइन थर्टी की वैल्यू वन स्क्वायर है स्क्वायर हो गया फिर पाई कि फिर से थर्टी हुआ और कोशक थर्टी की वैल्यू टू होती है उसका स्क्वायर तो टू का स्क्वायर हो गया। इंटू को स्क्वायर पाई पॉइंट थ्री पाई पॉइंट थ्री सिक्सटी डिग्री और को सिक्स की वैल्यू वन पॉइंट टू उसका स्क्वायर हुआ अब देखिए यहाँ पर टू इंटू वन टू का स्क्वायर वन पॉइंट फोर टू का स्क्वायर हमारे पास और ये भी टू का स्क्वायर है दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वन बचता है और यहां इस टू से ये फोर कैंसिल होगा तो टू तो वन अपॉन टू प्लस वन थ्री अपॉन टू ये हमारा आंसर आ गया ना क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है उसने कोट स्क्वायर पाई अपॉइंट सिक्स प्लस कोशक फाइव पाई अपॉइंट सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर फाइव पाई अपॉइंट सिक्स इक्वल सिक्स देखिए यहां पर भी इसी तरीके से प्रूव करना है यहां पर एंगल हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो गया अगर मैं इसकी बात करूं तो सिक्स अगर वन एट्टी को डिवाइड करते हैं 30 और तो और डिग्री डिग्री का एंगल हुआ यानी कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है और मुझे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है अब देखिए करना मुझे वही है कि हम पाई वाली लाइन का ही यूज करेंगे ठीक है ना हम 90 वाली लाइन का यूज नहीं करेंगे मैं इसको 90 प्लस भी लिख सकता हूं या 180 एट्टी माइनस भी लिख सकता हूं लेकिन 90 माइनस 90 प्लस की लाइन का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोशक चेंज हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे लिख सकता हूं अगर मैं पाई में से पाई यानी एट्टी में से थर्टी डिग्री माइनस कर दूं तो वन फिफ्टी डिग्री के क्वालि रहा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन सिक्स वन एट्टी माइनस थर्टी तो ये किसके इक्वल है इसी के इक्वल है वैल्यू इक्वल रहनी चाहिए अब देखते हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा प्लस थ्री टेन स्क्स देखिए फिर बात करते हैं चेंज की पाई वाली लाइन है चेंज होगा नहीं तो कोशक ही रहेगा तो कोशक पाई माइनस पाइव बाई वैल्यूज रख देते हैं कोट स्क्वा कोट थर्टी कोट थर्टी रूट थ्री होती है उसका स्क्वायर है प्लस पाई पाई थर्टी और कोशक थर्टी की वैल्यू टू होगी प्लस थ्री इन टू टेन स्क्वायर पाई बाई कि थर्टी और की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री और उसका स्क्वायर देखिए रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री आ जाएगा तो यहाँ पर थ्री से हमारा थ्री कैंसिल हो गया और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री प्लस टू फाइव और फाइव प्लस वन सिक्स और यही हमें प्रूव करना चाहना क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर प्लस टू स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस टू स्क्वायर पाई पॉन थ्री इक्वल टेन प्रूफ करने के लिए देख रहे हैं टू साइन स्क्स टू स्क्स टू से पाई पॉइंट है पाई फर्स्ट में है यहां पर भी यही प्रॉब्लम देखिए अगर फोर से वन एट्टी को डिवाइड करता हूं तो फोर्टी फाइव आएगा फोर्टी फाइव की थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन थर्टी फाइव यानी कि एक सौ पैंतीस डिग्री का एंगल है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसको भी पाई में से माइनस कर लेते हैं तो अगर देखिए पाई में से क्या माइनस करूं कि वन थर्टी फाइव आ जाए या मैं कहूं कि 180 एट्टी में से कितना माइनस करें तो वन एट्टी में फोर्टी फाइव माइनस कर देता हूं तो 135 मिलेगा तो हमने लिखा टू साइन स्क्वायर पाई माइनस अपॉन फोर प्लस टू कोस स्क्वायर पाई अपॉन फोर प्लस टू पाई अपॉन थ्री इसको चेंज कर लेते हैं देखिए टू साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई फोर है अब सेकेंड क्वार में सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है पॉजिटिव आ गया लाइन नो चेंज की है तो साइन साइन ही रहा तो टू साइन स्क्वायर पाई अपॉइंट फोर हो गया अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं पाई अपन फोर यानी कि फोर्टी फाइव और साइन फोर्टी फाइव वैल्यू वन अपॉन रूट टू उसका स्क्वायर प्लस टू फोर्टी फाइव उसकी वैल्यू वन अपॉन रूट टू उसका स्क्वायर हो गया प्लस टू सेक्वायर पाई अपॉन थ्री की वैल्यू हमारे पास टू होती है तो टू का स्क्वायर सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है टेन और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा है फाइंड दी वैल्यूज फर्स्ट पॉइंट है साइन सेवेंटी फाइव डिग्री और सेकेंड है टेन फिफ्टी डिग्री देखिए ऐसे एंगल मेरे पास टिक्नोमेट्रिक टेबल में नहीं थे और मुझे ऐसे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब हम किसी ना किसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं

इक्वल साइन फोर्टी प्लस थर्टी तो साइन 45 यानी कि साइन ए इंटू कोस बी यानी कि कोस 30 प्लस कोस यानी कि 45 फाइव इंटू साइन बी यानी कि 30 इन सब की वैल्यूज रख देते हैं साइन 45 फाइव वन अपॉन रूट टू इंटू कोस थर्टी रूट थ्री अपॉन टू प्लस कोस फोर्टी वन अपॉन रूट टू इंटू साइन थर्टी वन अपॉन टू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री रूट टू इंटू टू टू रूट एलसीएम इक्वल है तो रूट थ्री प्लस हमारा

अब x हमारे पास 45 हो गया और y हमारे पास 30 हो गया तो यहाँ फॉर्मूले वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो टेन फोर्टी फाइव माइनस टेन थर्टी होल अपॉन वन प्लस टेन फोर्टी फाइव इंटू टेन थर्टी टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है और टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री वो सब वैल्यूज हम रख देते हैं तो हमारे पास ये टेन फिफ्टीन डिग्री से हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्योंकि टेन फोर्टी फाइव माइनस टेन थर्टी है तो टेन फोर्टी वैल्यू वन वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री ऐसी वन प्लस वन इंटू वन अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई करते हैं मैं एल्शियम ले लेता हूँ मल्टीप्लाई तो होगी तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री ऐसे ही होल अपॉन रूट थ्री एल्सियम लेंगे तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री यहां पर हमारे पास ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन बचता है अब देखिए मैं इसका रेशनलाइज़ भी कर सकता हूँ के किया जा सकता है क्योंकि अपॉन में रूट है तो हम इसको परिमेकरण भी कर सकते हैं अदरवाइज आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगा आपकी एनसीईआरटी का जो बुक का जो आंसर है उससे मैच कराने के लिए आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं देखिये रूट थ्री प्लस वन है तो होता क्या था कि जो भी नीचे हमारे पास रूट की वैल्यू होगी उसके रेसिप्रोकल से अगर वो प्लस माइनस में है तो उसके रेसिप्रोकल से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे बहुत और डिनोमिनेटर को तो हमने क्या किया रूट थ्री प्लस वन था तो रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दी अब देखिए रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर हो तो गया रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया अब सॉल्व कर लेते हैं देखिए रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी होल अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री वन का स्क्वायर वन थ्री माइनस वन टू रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर माइनस टू रूट थ्री टू तो ये आया यहाँ से टू कॉमन ले सकता हूँ तो टू कॉमन लूंगा तो मेरे पास टू से टू कैंसिल तो अंदर बसता है टू माइनस रूट थ्री वही मेरा आंसर करना है cos पाइव बाई फोर माइनस एक्स इंटू कोस पाव बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई के देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है थोड़ा सा लेंथी दिया हुआ है बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस का cos x प्लस का फार्मूला क्या है cos x इंटू कोस वाई माइनस sin एक्स इंटू वही फार्मूला बनता है Cos x cos y sin x sin y. पता कैसे चलेगा आप एंगल देखें एंगल हमारे पास सेम है जो एंगल यहां पर लिखा हुआ है अलग अलग हो जाए तो फिर ये फॉर्मुले का यूज नहीं हो सकता ये भी ध्यान रखेंगे तो सिंपली यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है यानी कि इस पूरी लाइन को मैं किसके लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई के और यहां पर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई देखिए पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई फोर मतलब फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव क्या होता है नाइनटी डिग्री पाई बाई टू माइनस इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो हमने एक्स प्लस वाई होगी फॉर्मूला हो गया का, क्या था माइनस पहले तो देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जाएगा 90 हमारे पास यहां है 90 में से कुछ माइनस करूंगा तो मैं कहा में, और में सभी होते हैं पॉजिटिव तो जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी पॉजिटिव और लाइन है नाइनटी की चेंज की यानी कि कोस चेंज हो जाएगा साइन में तो कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा थीटा के के तो वही यहां पर अप्लाई हो गया cos 90 x y. किसके इक्वल होगा Sin x y के. और यही हमें प्रूफ करना था नंबर सेवन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स होल अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं <coughs> देखिए हमारे पास टेन एक्स प्लस वाई और टेन एक्स माइनस वाई के हैं। है दोनों एक साथ लिखे हैं। होता क्या है अगर टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा तो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई और अगर माइनस का होगा तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस आ जाएगा तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज हम यहां पर कर लेते हैं ऊपर टेन एक्स प्लस वाई का लग जाएगा नीचे टेन एक्स माइनस वाई का तो यह आ जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई

10 by 4 की value 1 into 10x रहा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगी जाएगी। और बीच में इनकी आपस हो तो क्या होगा? 1 plus 1 into 10x, गया ऐसे वन माइनस टेन एक्स ये भी होल स्क्वायर हो गया अब देखिए अगर दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर है तो मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ यही मुझे प्रूव करना था हूँ क्वेश्चन नंबर एट की बात करें क्वेश्चन नंबर एट में दिया है कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई टू प्लस एक्स देखिए सिंपल सा क्वारेंट का फॉर्मूला है पाई यानी कि वन एट्टी माइनस एक्स यानी कि जीरो माइनस एक्स पाई वन एट्टी होकर पाई बाई टू नाइनटी हो गया तो क्वारेंट की बात करनी है हमें तो हम क्वारेंट बना लेते हैं एक बार दोबारा से हो जाएगा रिवि देख पाई प्लस एक्स पाई पाई हमारे पास ये रहा अगर मैं पाई में कुछ भी एंगल ऐड करूंगा तो मैं थर्ड क्वार्टर में जाऊंगा और थर्ड में देखिए मेरे पास टेन और कोट पॉजिटिव थे बाकी सब नेगेटिव थे और ये लाइन है नो चेंज की यानी कि कोस पाई प्लस एक्स माइनस कोस एक्स की इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इस थर्ड क्वार्टर में थर्ड में नेगेटिव हुआ और लाइन नो चेंज की तो कोस कोस ही रहा फिर कोस माइनस एक्स माइनस एक्स जीरो डायरेक्टलीस माइनस एक्स लिख देते हैं क्योंकि लाइन नो चेंज की है अब नीचे चलते हैं साइन पाई माइनस एक्स पाई में से माइनस करेंगे तो हम कहा जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और लाइन नो चेंज की है तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया कोस पाई बाई टू प्लस एक्स पाई बाई टू हमारे पास ये रहा यहां। अब यहां पाई बाई टू है अब देखिए पाई बाई टू में कुछ ऐड करूंगा तो मैं चेंज की हैस एक्स, एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर और कोस स्क्न साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर यही प्रूव करा था क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं कोस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू कोस टू पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोट टू पाई प्लस एक्स और ब्रैकेट क्लोज इक्वल वन के प्रूव करना है ठीक है कोस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स कोस टू पाई प्लस एक्स ये सब भी हमारे पास चतुर्थांशों के ही फॉर्मूले बनते हैं थ्री पाई बाई टू टू सेवेंटी डिग्री होता है टू पाई हमारे पास थ्री सिक्सटी होता है ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये कौन से एंगल बनते हैं तभी ये कंडीशन हो सकती है अगर ये एंगल नहीं बनते होंगे क्वाड्रेंट के तो मैंने सिंपल साइन एक्सप्ल वाई का कोस एक्सप्ल वाई का वो फॉर्मुले अप्लाई करूंगा अब देखिए कोस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स थ्री पाई बाई टू हमारे पास ये रहा अगर मैं थ्री पाई बाई टू में कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं कहा जाऊंगा फोर्थ क्वार्टर में और देखिए फोर्थ में कोस पॉजिटिव पौस्ट होता है और लाइन है ये चेंज की यानी कि पॉजिटिव का कोस किस में चेंज होता है साइन में तो कोस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स हमारे पास साइन एक्स बन जाएगा ऐसे ही बात करें कोस टू पाई प्लस एक्स की टू पाई यहां पर है टू पाई में कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वार्टेंट में जाऊंगा और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और लाइन नो चेंज की होगी तो कोस टू पाई प्लस एक्स कोस एक्स ही रहेगा अब बात करते हैं कोट थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स थ्री पाई बाई टू में से माइनस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और थर्ड में हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव के होते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और लाइन है चेंज की तो कोट किस में चेंज हो जाएगा टेन और ऐसे ही कोट टू पाई प्लस एक्स कोट टू पाई में हमको जोड़ेंगे फर्स्ट में गए फर्स्ट में सब पॉजिटिव है और लाइन नो चेंज की है तो कोट टू पाई प्लस एक्स कोट एक्स ही रहा अब इसको टेन और कोट को हम साइन और कोस में तोड़ देते हैं तो हमारे पास ये आ गया टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ऐसे ही X, X को X sin X लिख सकते हैं। यहां पर एलसीएम ले लूं तो देखिए साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो साइन स्क्वायर एक्स कोस की मल्टीप्लाई कोस से तो कोस स्क्वायर एक्स हुआ अब देखिए बाहर साइन एक्स इंटू कोस एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा है इससे पूरी पूरी वैल्यू नीचे की कैंसिल आउट हो जाएगी और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसके होता है वन के और यही प्रूव करना था नौ क्वेश्चन लास्ट

करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सही कर दें कोस एन प्लस वन एक्स इंटू कोस एन प्लस टू एक्स इससे हमने आइडेंटिफाई किया तो ये फॉर्मूला किसका बनता है कोस एक्स माइनस वाई का क्या होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई देखिये कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई उसी फॉर्मुला का यूज कर लेते हैं कोस तो, हमारे पास x की वैल्यू है ये पूरी एन प्लस वन इंटू एक्स और y की वैल्यू है तो ये x तो के अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स की एन से होगी तो एन एक्स एक्स की वन से होगी तो हमारे पास प्लस का एक्स हो जाएगा फिर ऐसे ही मैं माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का nx और ये एक्स की मल्टीप्लाई टू से होगी तो माइनस का टू एक्स हो गया अब देखिए माइनस टू एक्स प्लस एक्स से एनएक्स कैंसिल हो गया, का बचता है, है और है cos minus x, और यह होगा? हमारे पास cos अगर मैं में में से minus करता हूं, तो जाएगा? होता ये चेंज की है तो कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही रहेगा और यही हमें प्रूव करना था आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग